हरियाणा के अम्बाला जिले में एक मुस्लिम बस्ती में लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए हैं, जिस पर लिखा है कि डोरबेल खराब है, कृपया दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाएं। इन पोस्टरों को क्यों चिपकाया गया है और इसके पीछे कारण क्या है, इसकी सच्चाई जानने के लिए जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के समर में बहुत से प्रत्याशी वोट अपील करने उनके घर आ रहे हैं, जिसके कारण वो बार बार डोरबेल बजाते हैं। लिहाजा ये पोस्टर उन्होंने उन प्रत्याशियों के लिए लगाए हैं कि वो डोरबेल ना बजाए, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ मोदी मोदी बोलने वालों के लिए खुलेगा। सर मोदी जी के काम से खुश होके और उनके जो ये 3 तलाक का मुद्दा है और धारा 370 है, ये सब सबके फायदे के लिए ही करा है उन्होंने। खाली हिंदुओं के लिए नहीं करा, खाली मुसलमानों के लिए नहीं करा, इससे खुश होके, उनके काम से खुश होके ये लगवाया कि दूसरी पार्टियां आए और देखे चली जाए, हमने वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। 3 तलाक का ऐसा मतलब मुद्दा क्या, आप मुस्लिम हैं, क्या लगता है आपको? सर ये औरतों के लिए एक बहुत भारी पहाड़ था, जो बैठे बैठे उनके हस्बैंड कहीं ना कहीं से, जहाँ भी बैठे होते थे घर में, कोई माँ से बहन से झगड़ा हुआ तो औरत के ऊपर सारा उसका नज़ला गिर गया और उसने फटाफट फ़ोन पे ही बोल दिया तलाक तलाक तलाक। वो बेचारी बैठी मिट्टी बन जाती थी, उसका कोई आसरा नहीं रहता था, चाहे उसके पेट में बच्चा है, चाहे उसकी गोद में बच्चा है, उससे कोई उसको आदमी को मतलब नहीं था और उसे एकदम बेसहारा कर दिया जाता था। जिसे हदीस में बताया है कि धरती और आसमान, जिस औरत को तलाक होता है उसकी ये हालत, ये बोल सुन के जमीन आसमान इतना रोते हैं कि आज ये औरत के साथ कितना बुरा हुआ है। बहुत अच्छा किया, हमारी तो कॉलोनी को रात को दिन बना दिया, इतनी लाइटें लगा दी, हमारी अच्छी सड़क बना दी, अच्छा पानी आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया जी। और हमारी जो 3 तलाक थी वो हटा दी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और क्या कुछ मिला? और सब कुछ मिला, सही मिला, सिविल में बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, बढ़िया सब इलाज होता है, सब कुछ है जी। तो आप लोगों को कार्ड मिले हैं? जो कार्ड मिल चुके जी, मिल गए जी। ये विकास का कारण है जी, जो विकास हुआ है पूरे देश में ही हुआ है विकास, हमारे अम्बाला में तो हद से ज़्यादा हुआ है, ठीक है जी। इस कारण लगे हुए हैं, सारे मोदी जी के फैन हो गए हैं, जो यहाँ पे 300-350 वोटें हैं, ठीक है जी, जो पहले कई जगह बटती थी अब वो कहीं भी नहीं बटने वाली हैं, वो सीधी मोदी जी को जानी है, इसका कारण है विकास। मोदी जी क्या लगता है, क्या बड़े ऐसे काम करते? मोदी साहब ने जी देखो हमारी महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए तो 3 तलाक का किया है, ठीक है जी, और धारा 370 हटाई है जिससे हम भी जा सकते हैं, जैसे हमारे लिए पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, और विकास सबके लिए हुआ है बराबर, ये नहीं कहा गया कि हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है, या सिख के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमानों का कोई दंगा हुआ हो इंडिया के अंदर, बहुत बड़े जो पहले हुआ करते थे छोटी छोटी बात पे दंग, लोग समझदार हो चुके हैं, जो मुसलमान महिला थी मोदी जी को अच्छी वोट दी है हर जगह से और आगे भी देंगे। मुस्लिम बस्ती में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि जिस तरह पीएम मोदी ने 3 तलाक बिल पास करवाया है वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके समाज में कुछ लोग फोन पर ही 3 तलाक बोलकर महिलाओं को मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कानून और पुलिस के डर से तलाक के केस में भारी कमी आएगी। बस्ती के अन्य लोगों ने इन पोस्टरों के पीछे यही कारण बताया है कि उनका वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर ऐसे ही लगे रहेंगे क्योंकि पीएम मोदी ने उन लोगों के लिए बड़े काम किए हैं, भले ही उसमें आयुष्मान योजना हो, उजाला योजना हो या कोई और काम, उनके लिए उनके नेता मोदी हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते कि किसी और पार्टी का कोई नेता उनके घर आकर वोट मांगे। अम्बाला से न्यूज के लिए कृष्णा बाली की रिपोर्ट।